नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, इंडिया बनाम एनडीए की बात हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव का रण बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन के नेता बड़ा बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम महागठबंधन के नेताओं को सुनिए। कुछ प्रदेशों में भाजपा को जीत मिली है, हम लोग जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन अति उत्साह में भाजपा के नेता कुछ भी बोल रहे हैं। बिहार के विषय में कैसे बोल रहे हैं? बिहार में नीतीश कुमार जी के दृढ़ संकल्प की वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा है और 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित लड़े जाएंगे और इसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अपने गठबंधन से ज्यादा इनको चिंता हमारे गठबंधन की है, इनके साथ तो लोग नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो निश्चित रूप से मजबूती से लड़ेगा और इन्हें देश की सत्ता से बेदखल करेगा। कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और महागठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ जिन संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ी है वो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारता प्रदान की है और जो संदेश बिहार ने दिया उसको राष्ट्र ने स्वीकार किया। जो इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है उसमें बिहार के संदेश को सभी ने स्वीकार किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि बिहार से जो संदेश निकला, नफरत समाप्त करो, नौकरी और रोजगार परक राजनीति को आगे बढ़ाओ, उस दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं और स्पष्ट रूप से मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर के जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं और आम जन का समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है, ये मजबूती से दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक 17 या 18 दिसंबर को होने वाली है। उस बैठक में जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता बैठेंगे सारे बात पर चर्चा होगी और सब मिल बैठ करके फैसला लेंगे और स्पष्ट रूप से 1-to-1 हम जो चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक सीट पर एक उम्मीदवार और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो जनता के द्वारा जनता के हितों को दरकिनार करके कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब बनाने का, महंगाई बढ़ाने का, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि का जो पैमाना है, उन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमको समर्थन देगी। और स्पष्ट रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता और जनता के समर्थन के बल पर 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे, ये स्पष्ट संकेत देश की जनता देने जा रही है। इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो 17-18 तारीख को होने जा रहा है और इसमें देश सीट की डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा होने वाली है और मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से हमारी सीट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और अच्छे कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि जब भी इंडिया गठबंधन की बात होती है बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है, खासतौर पर अमित शाह और मोदी जी के पेट में तो बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2024 में इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हमारी और भी अभी योजनाएं हैं जो अभी धीरे धीरे आने वाली है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आपने सुना सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की विदाई तय है और यह भी कहते नजर आ रहे हैं सीट शेयरिंग का कोई मसला ही नहीं है, बहुत सरल तरीके से सुलझा लिया जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।